शीट की एप्लीकेशन डेरिवेशन शीट की नहीं आती, शीट की डेरिवेशन एनसीईआरटी के लिए नहीं पढ़नी, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन ये आता है, करेक्शन करो पहले, इसमें क्रॉस लगाओ, इस शीट में यहाँ डॉट नहीं है, ये क्रॉस है। तो इसके अंदर दो इनफाइनाइट शीट्स लो, दो इनफाइनाइट शीट्स लो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लो, दो इनफाइनाइट शीट्स लो, इसमें करंट बाहर आ रहा है और इसमें करंट अंदर जा रहा है। अब शीट का फॉर्मूला आपको आता है, मैंने आपसे ये पूछा इस पॉइंट पर बी क्या होगा दोनों शीट्स की वजह से, ये बताओ। चलो, और दोनों का लैम्डा बराबर है, मींस दोनों का जे बराबर है, जे का मतलब करंट डेंसिटी बराबर है। अच्छा ये बताओ इसमें करंट कहाँ आ रहा है, बाहर, थंब बाहर, बी कैसे होगा यहाँ पे, लेफ्ट। तो इस शीट की वजह से बी कैसे है, लेफ्ट। फॉर्मूला म्यू नॉट बाई टू इंटू जे। इस शीट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, इसमें करंट कैसे जा रहा है, इनसाइड। इनसाइड का मतलब है कि फील्ड कैसे होगा, राइट। मेरा थंब अगर इनसाइड है क्रॉस में, तो यहाँ पे फील्ड कैसे होगा, राइट। तो लेफ्ट और राइट का बी आपस में कैंसल, नेट भी क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डॉट डॉट है, डॉट का मतलब करंट बाहर है, तो बी वेक्टर कैसे होगा, मेरी तरफ। तो इसमें करंट बाहर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, मेरी तरफ। फॉर्मूला ये सेम, लेकिन इसमें क्रॉस ऐसे है, तो बी वेक्टर कैसे होगा, अगेन मेरी तरफ। थंब देखो करंट के साथ इनसाइड है, बी वेक्टर मेरी तरफ, दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर एक बार जब यहाँ निकाल लें, ये क्रॉस है तो बी वेक्टर मेरी तरफ, लेकिन ये डॉट है, डॉट की वजह से यहाँ पे जो बी वेक्टर लगेगा वो कैसे होगा, थंब अंदर बोर्ड में, मेरी तरफ। तो आपस में बी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले तो और को याद कर लेगा, लगाना कैसे है, बी की डायरेक्शन कब कैंसिल होंगी कब नहीं होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें?